नमस्कार, अरुणाचल आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गान्या विनिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो यूपिया जो गोल्डन जुबली की जो स्टेडियम है। और आप सबको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि इस बार जो 2023-24 में ये इस बार की जो 77 नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी के लिए अरुणाचल प्रदेश में ये खेला जा रहा है। और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि इस बार का 77 नेशनल गेम अरुणाचल प्रदेश में खेला जा। और आप सबको अभी लेटेस्ट अपडेट दूँ कि अभी हाफ टाइम हो चुका है और इस हाफ टाइम में अरुणाचल वर्सेस गोवा के बीच में 1-1 गोल हो चुका है। और हम बता दूँ कि और इस हाफ टाइम के बाद लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या ओपिनियन है कि आज के मैच में कौन जीतेगा। और ये पूरे रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए अरुणाचल आई न्यूज़ के साथ। स्पेशली हमको लगता है अरुणाचल जीतेगा क्योंकि होम ग्राउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल होम ग्राउंड है। ऊपर से अभी तक जितना गेम देख रहे हैं हम लोग का पोजीशन ज्यादा है, तो मेरा तो वही लग है कि हम लोग अरुणाचल जीतेगा। ओके, आपका फिटनेस का हिसाब से जो अरुणाचल का जितना भी प्लेयर्स है उन लोगों का गेम प्लान कैसा है, आपको कैसा नजर आ रहा है? अभी तक देखने से बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला अभी तक है। अभी तक हाफ टाइम जितना देखा है, अभी पिछला हाफ कैसा होगा पता नहीं हो, तो अभी तक आप पर साफ जो देखा है वो तो बहुत अच्छा था। हम लोग का डोमिनेटिंग गेम था, अभी सेकेंड हाफ और स्ट्रॉन्ग करने से दिखे हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि ये 77 नेशनल गेम यहाँ हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इस खुशी को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तो बहुत खुश है क्योंकि परसम अरुणाचल में हो रहा है ना, ऊपर से मॉडर्न स्टेडियम भी बन गया, ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी से हम लोग को बहुत अच्छा चीज़ है, तो हम लोग के लिए मामले बहुत खुशी है वही है। ठीक है सर, आपका क्या कहना है ये हाफ टाइम का बात कौन जीतेगा? वो तो पता नहीं, प्लेयर का ऊपर डिपेंड करता है। देखा जाए तो गोवा भी कोई कम नहीं है, अच्छा खेल रहा है और अरुणाचल भी अच्छा ही खेल रहा है। दोनों टीम थोड़ा टक्कर लग रहा है, 1-1 हुआ है अभी तो, आगे जाके क्या होगा आगे वो प्लेयर लोग बताएगा क्या होगा नहीं होगा। उन लोग जो खेलता है उन लोग को मालूम चलेगा उन लोग अच्छा खेल रहे हैं ना नहीं खेल रहे हैं। आपका हिसाब से कौन? तो हिसाब से देखा जाए तो दोनों बराबर लग रहा है, अभी कोई किसी से कम नहीं है, लग रहा है दोनों। फर्स्ट टाइम इस तरह का नेशनल लेवल का जो फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है यूपिया उद्योग स्टेडियम में, तो यहाँ ऑब्वियसली हम अरुणाचल को सपोर्ट करने आए। और पहली बार ऐसे अरुणाचल में हमारा यहाँ बैठ के ऐसे नेशनल लेवल का फुटबॉल देखना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है। हम फ्यूचर में भी ये हम चाहेंगे कि इस तरह का ऑर्गेनाइज करते रहे हमारा अरुणाचल में। और हम सभी प्लेयर्स जहाँ से भी आए हैं और सभी ऑडियंस को विश देना चाहेगा कि प्लेयर्स भी अच्छा से खेले और हमारा ऑडियंस भी अच्छा से विटनेस करे, आने वाला प्लेयर्स को रेस्पेक्ट करे। और सबको मैं यही विश देता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है सक्सेसफुली पीसफुली कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। चले तो ऐसे ही है सब, तो मेरा लीड ना हो जाएगा। हम अरुणाचल का सपोर्ट करने आए हैं और हम बहुत मजा लग रहा है। ऑफ कोर्स आई वांट अरुणाचल। और कुछ अरुणाचल प्रदेश जैसे कि ये जो संतोष ट्रॉफी जी बहुत बड़ा ट्रॉफी और हमारा अरुणाचल में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसका इसके लिए आपका क्या विचार है? उसको लेके तो बहुत अच्छा है, हम बहुत ईयर्स का बाद ना संतोष ट्रॉफी अपना अरुणाचल पे वो किए, बहुत अच्छे है। तो हम लोग के लिए इन फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसे आगे बढ़ते रहने से और अपना अरुणाचल भी जीतते रहने से अच्छा है। पास्ट संतोष ट्रॉफी को। थैंक यू।